करते हैं। श्री गुजरात और मंच पर आसीन मुख्य अतिथि का, डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने हल्ला बोल वन सीजन देखा रुझान का, तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि एक दिन के अंदर अगर 325 कॉलेज और बाकी इंस्टीट्यूट अगर कवर किए जा सकते हैं तो एक अच्छा मौका है कि स्टूडेंट कम्युनिटी और बाकी जगहों पर पहुंचने का। तो जैसे ही रुझान ने हल्ला बोल टू का प्लान किया, आई टोल्ड रुझान कि दिस टाइम वी आर ऑल्सो विद यू, क्योंकि तुम केवल लड़कियों को ज्यादातर कवर कर रहे हो, लेकिन बाकी लड़कों का क्या होगा। सो विद दिस थॉट, वी आर द पार्ट ऑफ हल्ला बोल टू विद द हेल्दी लिविंग एंड द ड्रग फ्री लाइफ। अगर मैं हेल्दी कैंपस की बात करूं तो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने करीब 3 साल पहले शुरू किया, जिसमें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सुरक्षा सेतु सोसाइटी एवं गुजरात पुलिस उसका एक पार्ट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम केवल स्टूडेंट कम्युनिटी का है। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं इसके, तो ड्रग कंजम्पशन पूरी दुनिया के अंदर हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, जबकि सैकड़ों एजेंसियां हैं जो कि ड्रग को बंद करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए काम कर रही है। हजारों लोग अरेस्ट होते हैं, टनों ड्रग डिस्पोज किया जाता है, सीज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीमारी कहीं कम नहीं हो रही है। और अभी जो नया आंकड़ा है वो ये है कि रेगुलर ड्रग हीरोइन कोकी चरस या गांजा उसका इतना कंजम्पशन नहीं है, बल्कि कंजम्पशन उन ड्रग्स का है जिन ड्रग्स के लेने पर कोई भी अपराध नहीं है। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर द डॉक्टर्स, आप सभी लोग समझते होंगे दुनिया में आज जो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है वो उन चीजों से डेथ हो रही है जो कि प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है, नंबर वन, या फिर उन चीजों से डेथ हो रही है जो कि डिजाइनर ड्रग है और वो ड्रग्स किसी भी कानून के अंदर नहीं आती, तो उस पर रोकथाम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आखिर क्या किया जाए? क्या हम ऐसे ही देखते रहे कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है? और जब हम पूरे इंडिया के अंदर सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट फिट, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दुनिया के अभी सबसे बड़े नेशन है, 128 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें नंबर ऑफ यूथ आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आज हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर 40 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और उन बच्चों के लिए अगर हम सोचें कि कुछ हजार लोग, गवर्नमेंट के लोग या एनजीओ के लोग ही कुछ कर पाए, तो मेरे को लगता है वो प्रयास अधूरा होगा। वो एक प्रयास है, लेकिन जब तक भागीदारी उन लोगों की ना हो जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड है और इस देश का फ्यूचर है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सो विद दैट थॉट, दिस इज द हेल्दी कैंपस, जहां की हम लोगों का मकसद होता है एक बार आग लगाना, जैसे हल्ला बोल टू के थ्रू हम लोगों ने एक चिंगारी लगाई है। लेकिन इस चिंगारी के बाद में आगे आप लोग क्या करते हो और इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाते हो, वो आपका और कॉलेज मैनेजमेंट का काम है। हेल्दी कैंपस के अंदर पिछले 4 साल के अंदर हम लोगों ने 100 से ज्यादा कॉलेजेस के अंदर हेल्दी कैंपस कमेटीज बनाई हैं, सेमिनार्स की हैं, कुछ कॉलेजेस ने काफी प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, आरजेटीसी ने हल्ला बोल चैलेंज जैसे प्रोग्राम किए हैं, और हजारों बच्चे इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं आज। साथ साथ जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग ड्रग मत लो, वो लोग बोलते हैं कि अगर हम ड्रग ना लें तो क्या करें, हमारे पास और भी कुछ होना चाहिए। अगर हम कॉलेज को बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं हमारा काम है केवल बच्चों को पढ़ाना, अभी बच्चे लोग घर से सीख के आए तो हम क्या करें, ये तो माता पिता का काम है उनको अच्छे संस्कार देना। माता पिता को बोलते हैं तो बोलते हैं हमारा बच्चा तो कॉलेज जा रहा है, बहुत अच्छी, ये तो कॉलेज का काम है उनको समझाना। और जब बच्चे को बोलते हैं तो बच्चा बोलता है हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, या तो पार्क के गले पे खड़ा होना है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाना है। तो हमने हेल्दी कैंपस के अंदर 6 पॉइंट्स ऐड किए, जिसके चलते हम उन सारे कारणों पे काम कर सके जिसके चलते बच्चे ड्रग्स में जाते हैं।
एक हमने देखा बच्चे फ्री हैं, वो केवल मस्ती करने के लिए, मजा करने के लिए या पीयर प्रेशर के चलते ड्रग्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उसी पर काम किया, हमने बच्चों का ग्रुप बनाया और एक ऐसा पीयर प्रेशर क्रिएट किया जहाँ की बच्चे ड्रग्स नहीं ले रहे हैं बल्कि कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अभी ये 2 महीने बारिश के महीने थे तो हमने प्लान किया कि हमारे बच्चे 1 लाख पेड़ लगाएंगे। तो बच्चों ने खुद अपने ग्रुप क्रिएट किए, अपनी कमेटियां बनाई, बाकी कॉलेज में जाके संपर्क किए और इन लोगों ने पेड़ लगाने का काम शुरू किया। उससे पहले इंटरनेशनल योगा डे था तो फिर बच्चों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। ये बहुत अच्छा मौका है, सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मना रही है। आपके कॉलेज में कितने बच्चे आप लोग इकट्ठे करके रेगुलर प्रैक्टिस कराते हो? सो दे स्टार्टेड डूइंग द योगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो फ्यूचर है वो आप ही लोग के हाथ में, 40 करोड़ लोगों के हाथ में है और ये रीड आप ही को लेनी है। और हेल्दी कैंपस केवल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए बना है। सुरक्षा सेतु सोसाइटी या गवर्नमेंट या एनसीबी, हम लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन बढ़ना आपको है आगे। आप क्योंकि लीडर है यहाँ पर, हमारे लिए केवल 5 या 10 लीडर नहीं होते हेल्दी कैंपस में। हेल्दी कैंपस में हम ये मान के चलते हैं कि जो लास्ट बच्चा है, आखिरी बेंच पे बैठा हुआ है, जिसके इवन सबसे कम मार्क्स आते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छे बच्चों को तो सब लोग अपने साथ में रखना चाहते हैं, उनके अंदर वो लीडरशिप सभी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन मीडियोकर बच्चों का और जो बच्चे सबसे लास्ट वाले हैं उन बच्चों को अगर हम छोड़ देंगे तो वही बच्चे आगे जाके या तो ड्रग्स में जाते हैं या फिर ट्रैफिकर्स बनते हैं। और आंकड़ा बताता है पूरे देश के अंदर 50% से ज़्यादा क्रिमिनल वो लोग हैं जो कि ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं और ड्रग्स की जरूरत को पूरा करने के लिए क्राइम करते हैं। और ड्रग्स केवल क्राइम नहीं बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रही है, ये हम सब लोग जानते हैं। $500 बिलियन का कारोबार वर्ल्ड वाइड। आखिर क्यों है? आखिर इसलिए है क्योंकि युवा वर्ग उनको कंज्यूम कर रहा है। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो ये कारोबार ऑटोमेटिकली मर जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत का जो सपना है, शुरुआत की जो हमने पहल है, दैट इज अ हेल्दी कैंपस। अगेन आज मैं यहाँ से आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली कर्णावती डेंटल कॉलेज ने एक बहुत अच्छी पहल की है, आपके यहाँ हेल्दी कैंपस एक रोल मॉडल बने और बाकी के लोगों को भी एक रास्ता दिखाए कि नहीं, हमारे स्टूडेंट्स ये क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं तो आप लोग भी करो। क्योंकि आज हमारे जो करीब 150 कॉलेजेस के अंदर कमेटीज हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे कॉलेज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम को हमें सभी लोगों को एक साथ मिलके पूरे देश के अंदर फैलानी है और गुजरात को और खासकर अहमदाबाद को हम लोगों को रोल मॉडल का काम करना है। आप लोग देख रहे हैं मंच पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस हेल्दी कैंपस की सफलता के लिए एकबद्ध हैं। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन आई थैंक यू जिहादी रुजैन कंबाटा। आई यूज द वर्ड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन, द काइंड ऑफ द एनर्जी एंथुजियाज्म व्हिच शी हैज, इट इज अनपैरेलल्ड। सो ये प्रोग्राम अल्टीमेटली अभी आप लोगों को मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप लोग के हवाले है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। बाय द वे, हेल्दी कैंपस कोई एनजीओ नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज ऑनली इनिशिएटिव ऑफ द कॉलेजेस। सो दिस इज योर इनिशिएटिव, आप उसको जितना बड़ा बनाओगे, जितना पावरफुल बनाओगे, उसमें आपकी खुद की सफलता जुड़ी हुई है, आपकी खुद की पावर जुड़ी हुई है। इन शब्दों के साथ में जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।